अनुसंधानकर्ताओं ने निर्माण व तोड़फोड़ CND वाले कचरे तथा क्षार सक्रिय बाइंडरों के इस्तेमाल से उच्च दक्ष दीवारों के लिए सामग्रियों के उत्पादन हेतु एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। इन्हें कम मात्रा में कार्बन वाली ईंटें कहते हैं, जिसके लिए उच्च तापमान वाले दहन की आवश्यकता नहीं होती और पोर्टलैंड सीमेंट जैसी उच्च ऊर्जा वाली सामग्रियों के उपयोग से बचा जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी के निर्माण एवं तोड़फोड़ वाले कचरे में कमी होने के कारण निपटान से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। परंपरागत रूप से भवन की मिट्टी जली हुई ईंटों, कंक्रीट ब्लॉकों, मिट्टी के खोखले ब्लॉकों, फ्लाई ऐश ईंटों, हल्के ब्लॉक आदि से निर्मित दीवारें होती हैं। इनके उत्पादन के दौरान ऊर्जा की खपत होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है और खनन वाले कच्चे माल की खपत होती है तथा इसके फलस्वरूप कमजोर निर्माण होता है। चिनाई इकाइयों का निर्माण या तो दहन की प्रक्रिया द्वारा या पोर्टलैंड सीमेंट जैसे उच्च ऊर्जा सन्निहित कार्बन बाइंडरों का उपयोग करके किया जाता है। भारत में ईंटों और ब्लॉकों की वार्षिक खपत लगभग 900 मिलियन टन है। निर्माण उद्योग भारी मात्रा में 70 से 100 मिलियन टन प्रतिवर्ष CND कचरे उत्पन्न होते हैं। टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए चिनाई वाली इकाइयों का निर्माण करते समय दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खनन कच्चे माल के संसाधनों का संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। भारतीय विज्ञान संस्थान IISC के वैज्ञानिकों ने फ्लाई ऐश और फर्नेस लेक का उपयोग करके क्षार सक्रिय ईंटों ब्लॉकों के उत्पादन के लिए एक तकनीक विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने फ्लाई ऐश और ग्राउंड स्लैग का उपयोग करके क्षार प्रक्रिया के माध्यम से निर्माण और तोड़फोड़ वाले कचरे CDW से कम मात्रा में कार्बन वाली ईंटों को विकसित किया है और उनकी चिनाई की थर्मल संरचनात्मक और मजबूती से संबंधित विशेषता बताई। CDW की भौतिक, रासायनिक और संघनन विशेषताओं का पता लगाने के बाद सामग्री का मनोनुकूल मिश्रण अनुपात प्राप्त किया जाए। इसके बाद कम मात्रा में कार्बन वाली ईंटों के लिए उत्पादन प्रक्रिया विकसित की गई। मनोनुकूल बाइंडर अनुपात के आधार पर संपीड़ित ईंटों का निर्माण किया गया। इंजीनियरिंग से जुड़ी विशेषताओं के लिए ईंटों की जांच की गई। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वित्त पोषण के बल पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर द्वारा किए गए इस खोज का प्रमुख लाभार्थी सामान्य रूप से निर्माण उद्योग और विशेष रूप से भवन क्षेत्र है। यह प्रौद्योगिकी CND कचरे से जुड़ी निपटान समस्याओं को भी कम करेगी। IISC बेंगलोर के प्रोफेसर BV वेंकटरामा रेड्डी का कहना है, एक स्टार्टअप पंजीकृत किया गया है जो IISC की तकनीकी मदद से कम मात्रा में कार्बन वाली ईंटों और ब्लॉकों के निर्माण के लिए 6 से 9 महीनों के भीतर काम करने लगेगा। स्टार्टअप इकाई प्रशिक्षण क्षमता निर्माण और भारत भर में ऐसी वाणिज्यिक इकाइयों की स्थापना के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रसार इकाई के रूप में कार्य करेगी।